नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जियो फोन A320B ब्लैक का सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर से कैसे करते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ अपने कंप्यूटर की, माउस की और कीबोर्ड की। इसमें कोई डोंगल या कोई बॉक्स की जरूरत नहीं है। बस हमें कंप्यूटर चाहिए और जियो F320B का सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक टूल चाहिए जिसको डाउनलोड करेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए और एक टूल चाहिए, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जो डाउनलोड किए हैं सॉफ्टवेयर और टूल दोनों को सी ड्राइव में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करे बिना हम जियो F320B ब्लैक में सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। इसके लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है कि हम सॉफ्टवेयर और टूल को सी ड्राइव में कॉपी करके रखें। तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर और क्यू फ्लैश टूल दोनों को कॉपी कर लिया है। अब मैं क्यू फ्लैश टूल के फोल्डर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं क्यू फ्लैश टूल के एप्लीकेशन फाइल को राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्यू फ्लैश टूल ओपन हो गया है। अब हम जियो F320B ब्लैक का सॉफ्टवेयर यहाँ पर लोड करेंगे। इसके लिए हम लोड बटन को दबाते हैं, और जहाँ पर हमने जियो F320B ब्लैक के सॉफ्टवेयर को कॉपी किया था सी ड्राइव में, वहाँ पर हम जाकर तो यहाँ पर हम प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक के बाद एक दो फाइल और पूछेंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो उन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एक पैच फाइल होता है। तो सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा फाइल लोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मेन हमारा पार्ट चालू होता है, मेन हमारा मोबाइल को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर नो पोर्ट अवेलेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारा मोबाइल अभी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल जियो F320B ब्लैक का स्टार बटन दबा के USB केबल इंसर्ट करते हैं, जिससे मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। जैसे ही मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ आ जाएगा Qualcomm HS। उसके बाद हम डाउनलोड कंटेंट को क्लिक कर देते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर इस मोबाइल में इंस्टॉल होना चालू हो गया है। तो इस प्रकार हमारे मोबाइल जियो F320B ब्लैक में सॉफ्टवेयर पूरी तरह इंस्टॉल हो गया है। और ये इसमें लोगो ये मोबाइल लोगो पे आके अटक जाता था, लेकिन ये अभी पूरा चालू हो गया है सॉफ्टवेयर होने के बाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते जाते आपको धारणा के लिए एक शुभ विचार देते हैं। प्योरिटी इज़ द मदर ऑफ पीस प्रॉस्पर्टीज़।